अठू कहानी। परमेश्वर यूसुफ और ऊग परिवारस बचूच। कई सालों का बाद जब याकूब बूढ़ हो गयो तो ऊल अपन चल यूसुफस ऊग भाईन देखुन खीन भेच्छ जो जानवरों का झुंडुन की देखभाल करछा। यूसुफाक भाई ऊखिन जलन करछा क्याखिन की ऊग बाब ऊ सभोना जात प्यार करछो और यो कारण ले कि यूसुफल श्यून देखछे कि उन्होंने में राज करोल। जब यूसुफ अपन भाईन का पास आस तो उन्होंने उस पकड़ भिरन व्यापार करोलान का हाथ बेच दीच। घर वापस उन्हें पहली यूसुफा भाईन ले यूसुफा कपाड़ फाड़ भिरन उमे बाकरा खून लगा भिरन उन कपड़ान अपन बाबास दिखायन ताकि वो यो सोचो कोई जंगली जानवर आयल यूसुफस मार डाल छे। यो बात आयल यूसुफस बहुत दुखी भ्योज। गुलामों को व्यापार करुन वाल लोगों ले यूसुफस मिस्र खिन जो नील नदी किनार में बसीनाक मिस्र एक ठुल और शक्तिशाली देश हो। उन व्यापारिन ले यूसुफस एक धनी और सरकारी अधिकारी बेच दीस। यूसुफल अपन मालिक का बढ़िया सेवा कर छे और परमेश्वरल यूसुफस आशीष दीच। ऊख मालिक घरवाली यूसुफा दगाड़ पढ़ना कोशिश कर छे लेकिन यूसुफल परमेश्वर खिलाफ पाप करुन है इनकार कर दीस तो उल गुस्सा होवरन यूसुफ में झूठो आरोप लगा दीस। एक कारण उस पकड़ भरन जेल खान में डाल दी गयोज। लेकिन यूसुफ जेल में ले परमेश्वर नजुन में वफादार रोज और परमेश्वर उस आशीष दीज। यूसुफस जेल में 2 साल हो गए तब मिस्र देशाक राज फिरौन एक रात 2 सियून देखियन जिनार कारण वो बहुत परेशान छो और ऊक राजा कोई ले विद्वान राजाक सुनाक मतलब न बता पाया। जब फिरौन राजा से पत्तो चल छे कि यूसुफो परमेश्वर उस शून को मतलब बतुनाक वरदान दी रच एक कारण फिरौनल यूसुफस जेल खान बटे अपन पास बुलाच और यूसुफल राजास ऊक शूनाक मतलब बताच कि 7 साल बहुत बढ़िया अनाज पैद होल और ऊग बात 7 साल अकाल पड़ोल। फिरौन यो देखबेन कि परमेश्वर यूसुफस बहुत बुद्धि दी रच और परमेश्वर ऊग दगाड़ रूंच एक कारण ऊल उस मिस्र देशोक प्रधानमंत्री बनाच। तब मिस्र देश में 7 साल बहुत बढ़िया फसल भैज और यूसुफल ऊ अनाज जम कर भिन राख छे। ऊग बात 7 साल तक अकाल पड़ छे तब यूसुफल लोगों अनाज बेचे कि उनार पास खाना कमी न हो। उ बखत अकाल केवल मिस्र में ही न बल्कि कनान देश में लचो जहाँ याकूब और ऊग परिवार रूंच। जब याकूबल सुड़छे कि मिस्र देश में अनाज मिलूम रोच त ऊल अपन चलान मिस्र देश में अनाज मूल लेखिन भेजे। जब उन अनाज खरीदुन खिन यूसुफाक पास आयान त उन्होंने ले यूसुफस न पछाण लेकिन यूसुफल अपन भयान पछाण लीच। यो पत्तो करुन खिन कि उन बदल ज्ञानी या उनर जांच पड़ताल करना बाद यूसुफल उन बताज कि मैं तुम और भाई यूसुफ छू। उन घबरा जनान जब तुमल मैस गुलाम हुनखिन बेच छे तुमले मेर बुर करनेखिन इस कर छे लेकिन परमेश्वर मेर दगाड़ भलाई कर छे। यो परमेश्वर की मर्जी थी अब तुम सब अपन परिवार दिगाड़ मिस्र देश में आभन रहो ताकि मैं तुमर और तुम्हार परिवारों को खाना इंतजाम कर सकूं। जब यूसुफाक भाई अपन घर वापस ज्ञान उन्होंने अपन बाप याकूबस यूसुफाक बारे में बताज कि वो जूनो छे तो वो बहुत खुश ब्योच। हालांकि याकूब बहुत बूढ़ हो गए तब लो वो अपन परिवारक दगाड़ मिस्र देश किन ग्योज और उन वहाँ बस गया। याकूब मरुन है पहली उल अपन सब चलान आशीर्वाद दीज। परमेश्वर जो वादा अब्राहम तक करीनाक छो वादा इसाक ऊगबाद याकूब और ऊगबाद ऊगबार चाला और उनार परिवारों का दगाड़ करछे उन बार चालान का वंश इजरायलक बार गोत्र बन गया।